दर्शकों ने सराहा धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म उन्माद को। अच्छी फिल्म थी, इन्होंने नया ग्रुप है, इन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की, कहानी बहुत अच्छी थी और थिएटर के लोग होने के कारण इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सारी मंझी हुई परफॉर्मेंस थी। सारे किरदार जो इन्होंने किए वो बहुत अच्छे ढंग से निभाए हैं। थिएटर के ट्रेंड एक्टर हैं ये, नॉन एक्टर्स इन्हें कहना ही बड़ा मुश्किल है। मतलब इन लोगों से लोगों को सबक लेना चाहिए किस तरीके की फिल्में बनती रहनी चाहिए। अमेजिंग मूवी, वेरी गुड स्टोरी लाइन एंड द परफॉर्मेंस इज लाइक ऑसम परफॉर्मेंस। स्पेशली इम्तियाज अहमद का जो रोल है, इट इज़ लाइक इट टेक्स यू इनटू दैट सिचुएशन। आपको ऐसा लगा कि आप वहीं पे खड़े हो। इट्स वेरी टचिंग, वेरी नाइस। मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी और मिस्टर शाहिद कबीर सर का काम मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसमें जितनी भी स्टार कास्ट है सबने एक्सीलेंट काम किया है। शायद मुझे लगता है सबको आके ये मूवी देख, पूरी फैमिली एक साथ में देख सकती है। शाहिद सर ने जो भी डायरेक्टर हैं बहुत अच्छा काम किया है। ये मूवी जिसकी भी बहुत बंधी हुई सोच होती है लाइक हिंदू मुस्लिम ऐसा, तो उसको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे ना दिमाग बहुत खुल जाएगा और एंड बहुत अच्छा लगा था। आई लव इट। काफ़ी अच्छी मूवी है। मेरा कहना यह है कि लोगों को आके देखनी चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा काम है शाहिद कबीर सर का और सारे एक्टर्स का। फिल्म बहुत अच्छी बनी है। जो इस वक्त करंट टॉपिक चल रहा है मॉब लिंचिंग, उसके हिसाब से और जो ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे, वो इसमें बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से लोग लड़ा रहे हैं लेकिन जो गांव वाले हैं या हम आपस में एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूं शाहिद कबीर को और उनके पूरे ग्रुप को कि एक अच्छी फिल्म बनाई है। बस ये है कि ये लोगों तक पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें और इससे कुछ समझ सकें। सर, फिल्म तो बहुत अच्छी रही और इसमें जो जज्बाती मनाजिर हैं बहुत हार्ड टचिंग जज्बाती मनाजिर हैं और इसमें पूरी तरह यह कोशिश की गई है कि इस देश को रोशन रखना है। तो जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के वायर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, जिस तरह ट्विस्ट होकर वो दोनों साथ साथ चलते हैं तब कहीं कोई बल्ब रोशन होता है। तो इस मुल्क को रोशन रखना है तो हमें इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव वायरों को ट्विस्ट होकर मुल्क की सोच के मुल्क को रोशन रखने की खातिर हमें इसी तरह मिलजुल के काम करना है। ये उन्माद में मैसेज दिया गया है वो यही है कि पॉलिटिशियंस के और दीगर शरपसंदों के माहौल में रहकर उनके जज्बात उनके भड़काव में आकर हम आपसी मोहब्बत और खुलूस को ख़त्म ना करें। और यकीनन ये शाहिद कबीर साहब की कामयाब कोशिश है और मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ उनके पूरे स्टाफ को और सारे किरदारों को कि इन्होंने खूब अच्छे नगीने जमा किए और इनसे बहुत अच्छे से काम लिया। ये बहुत अच्छा मैसेज देगी ये फिल्म और इस फिल्म को मैं दीगर लोगों से भी कहूँगा कि ज़रूर देखें, फैमिली के साथ देखें और कुछ सीन ऐसे हार्ट टचिंग है इसमें कि जिस बात को हम एक घंटे दो घंटे की तकरीर में नहीं बता सकते, बस एक दो मनाजिर में उन्होंने इतना बड़ा मवाद जो है ना इस मंजर में सदाबंद किया है, रिकॉर्डेड किया है कि वो देखने लायक है। इनकी कामयाब डायरेक्शन और उनके आर्टिस्टों की कामयाब अदाकारी पर मैं सबकी मुबारकबाद देता हूँ।